Subscribe and press the bell icon for latest update. जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो लोगों का मन उमंग से भर जाता है, क्योंकि लोगों को ज्यादा गर्मी और आने वाले पसीने से राहत मिल जाती है। लेकिन एक बात ये भी है कि सर्दियों में लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें से हैंगनेल भी एक है। सर्दी में तापमान कम होने के कारण हाथ पैरों में खून की नसें सिकुड़ने लगती हैं और खून का रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण ये समस्या आम हो जाती है और इसके कारण उंगलियों के रंग में बदलाव, दर्द, सूजन, जलन और घाव हो जाते हैं। वैसे तो ये एक छोटी सी समस्या है, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये छोटी सी समस्या आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए समय पर इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जिससे आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर एक, जैतून का तेल। जैतून का तेल वैसे तो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप रोजाना रात को सोने से पहले जैतून के तेल को हल्का गर्म करके नाखूनों और उसके आसपास मसाज करें तो इससे कुछ दिनों में ही आपकी हैंगनेल की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर दो, एलोवेरा। अगर आप हैंगनेल की समस्या से परेशान है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एलोवेरा जेल से 5 से 8 मिनट तक मसाज करें। अगर आप ऐसा हर रोज करते हैं तो आप इस परेशानी से छुटकारा पा लेंगे। नंबर तीन, शहद। शहद हर बीमारी की दवा है। अगर आप थोड़ा सा शहद लेकर अपनी उंगलियों पर लगाते हैं तो इसके बाद अपनी उंगलियों को साफ पानी से साफ कर लें और आप हैंगनेल की समस्या से निजात पा लेंगे। नंबर चार, नमक का पानी। 1 टेबल स्पून नमक को 1 कप पानी में उबालकर उसमें 10 मिनट तक हाथ पैर भिगोएं। इससे हाथ पैरों में इन्फेक्शन भी नहीं होगा और ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए ये टिप्स आयुर्वेद और नेचर से जुड़े हैं। क्योरेन ही आयुर्वेद है, इसीलिए क्योरेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।